नमस्कार। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए, हमारे पास एक नंबर है जिसमें पहला स्पेस खाली है। इसमें कोई भी डिजिट आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, कुछ भी आ सकता है। जीरो नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि ये शुरू में है। तो हमें देखना है छोटे से छोटा क्या नंबर होगा ताकि ये थ्री से डिविजिबल हो जाए और बड़े से बड़ा भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं का सम निकाल लेते हैं। 6 + 7 + 2 + 4, 7, 6, 13, 2, 15, 4, 19। ठीक है बच्चों, 6, 7 और 6, 13, 2, 15, 4, 19। अब छोटे से छोटा ऐसा क्या नंबर होगा ताकि ये पूरा थ्री से डिविजिबल हो जाए। देखो, 19 के सबसे पास थ्री का टेबल कहाँ आता है? 3, 5 द 15, 3, 6 द 18, 3, 7 द 21। तो सबसे नज़दीक इसके जो नंबर है वो है 21, और 19 से 21 बनाने के लिए कितना चाहिए? 2, है ना। 19 में यदि यहाँ पे संख्या होगी 2, यदि यहां संख्या होती 2 तो 19 + 2 = 21 बन जाएगा। ठीक है, सो इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट। सो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 2। ठीक है बच्चों, अब सबसे बड़ा डिजिट क्या हो सकता है ताकि ये तीन के पहाड़े में आए। देखिए, सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है 9, लेकिन यदि 19 में 9 प्लस करें तो वो आएगा 28, लेकिन 28 तो तीन के पहाड़े में आता नहीं। 9 से अगला छोटा डिजिट है 8, 19 और 8 होता है 27, 27 तीन के पहाड़े में आता है। इसका मतलब लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होगा? जो कि इस ब्लैंक में आ सकता है, जिसके ब्लैंक में आने से ही इसका जो सम है वो तीन के पहाड़े में आ जाए, तो लार्जेस्ट डिजिट है 8। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे, नहीं समझे मैं दोबारा समझा देता हूं। स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना है ब्लैंक स्पेस में ताकि जो नंबर बने वो तीन से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले जो हमें नहीं पता थे, जो हमें पता थे डिजिट्स, उनका हमने प्लस निकाला। 7 और 6 13, 2, 15 और 4, 19 आया। तो छोटे से छोटा क्या डिजिट होगा जिसको प्लस करने से दो के तीन के पहाड़े में आए? तो मुझे पता है कि 19 में 2 प्लस करने पे 21 आता है, 21 तीन के पहाड़े में आ जाता है। तो इसका मतलब छोटे से छोटा डिजिट 2 है जिसमें 19 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ 2 लिखेंगे ताकि यह जो सारा है इसका सम ऑफ डिजिट्स 21 बन जाए और वो तीन के पहाड़े में आ जाए। इसी तरीके से लार्जेस्ट डिजिट, अब लार्जेस्ट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से 9 होता है, लेकिन 19 में यदि 9 प्लस करें तो 28 आता है, वो तो तीन के पहाड़े में आता नहीं, नहीं आता ना। इसलिए 9 से आगे जो छोटा डिजिट है वो है 8। तो 19 में जब 8 प्लस किया तो हमारे पास आया 27, 27 तीन के पहाड़े में आता है। इसका मतलब बड़े से बड़ा डिजिट कौन सा होगा जिसे यहाँ लिखने से ये संख्या तीन के पहाड़े में आ जाए, वो लार्जेस्ट डिजिट है 8। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।